नमस्कार दोस्तों, मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मैं होना चाहता था, पर मैं वहाँ भी नहीं हूँ जहाँ मैं हुआ करता था। और मैं इस बात के लिए ईश्वर का आभारी हूँ कि मैं निरंतर नए कंटेंट बना पा रहा हूँ। और चलिए एक बार फिर से आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके अपने यूट्यूब चैनल S4G Study for Goals पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। आइए अपने जिज्ञासाओं को प्रोत्साहन देते हुए कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत हैं कि झारखंड में मुख्य रूप से 32 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें 8 आदिम जनजातियां और 24 अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित हैं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत कर दे रहा हूं, जिसमें आपको एक के बाद एक झारखंड के तमाम 8 आदिम जनजातियों के बारे में विस्तृत तौर पर पढ़ाई जाएगी और आपको रटवाया जाएगा बाकायदा उनके बारे में। और आप इस बात से भी अवगत हैं कि ऑलरेडी मेरे द्वारा जो है झारखंड की जनजातियों से संबंधित एक सीरीज चल रही है, और जिसमें संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, भूमिज, किसान, मली इत्यादि जनजातियों के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया। वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। अगर आपने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन विजिट करें, वहाँ पे चैनल का नाम, सॉरी वीडियो का नाम और उसके साथ उसका लिंक पिन किया हुआ आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है आपको सबसे पहले आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सीरीज की पहली वीडियो के तौर पर क्लास 1 के तौर पर बिरहोर जनजाति के बारे में पढ़ाया जाएगा पूरे विस्तृत तौर पे। अब बिरहोर जनजाति के बारे में हम जानना शुरू करें, उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और वह बेसिक चीज़ यह है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है झारखंड में जनजातियों की जो कुल संख्या, टोटल जो पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन जो है झारखंड की 2011 की जनगणना के अनुसार, वह 86,45,042 है, जो कि हमारे राज्य के टोटल पॉपुलेशन का 26.2% है। और इसी क्रम में जो आदिम जनजाति है, झारखंड की जो आदिम जनजातियां हैं 8, उनकी जो कुल संख्या है वह 1,92,425 है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.72% है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं कोशिश करूँगा कि जो बायलैंग्वेज छात्र हैं, जो जिनको इंग्लिश और हिंदी, जो इंग्लिश वाले हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से पूरी जो चीज़ें हैं, जो आपकी बिरहोर जनजाति है और साथ साथ जो जनजातीय चीज़ें, आपको एकदम समझ ही आ जाए, एकदम मैं आपको पूरा रटवाने की कोशिश करूंगा। और इसी क्रम में आइए आज की वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, बिरहोर जनजाति से सबसे पहले हम बिरहोर जनजाति से संबंधित सामान्य परिचय देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ये चीज़ें ऊपर से याद कर लें तो पूरे बिरहोर जनजाति को अच्छे से समझने में सक्षम बन जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, बिरहोर जो है झारखंड की विलुप्त हो रही एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, जिनकी जो गणना है यह घुमंतु, घुमंकर एवं सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जनजातियों के रूप में की जाती है। और यह जो मूलतः झारखंड राज्य में ही पाए जाते हैं, ऐसे आजकल प्रवास का जमाना है तो कहीं भी किसी भी जाति धर्म के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि जो बिरहोर जनजाति व मूल्य रूप से मूलतः जो है झारखंड में ही पाई जाती है, और यह पूछा जा चुका है इसलिए आपको याद रखनी है। यह जनजाति राज्य के उत्तर या उत्तर पूर्वी इलाकों में ज़्यादातर जो है बसी हुई हैं, जिसमें जो मुख्य रूप से जो अगर हम जिलों में बात करें तो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, लातेहार, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रांची इत्यादि क्षेत्रों में बिरहोर जनजाति पाई जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा इनकी जो जनसंख्या वह हजारीबाग में, यह भी आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिरहोर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति मुंडारी भाषा से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। यह भी पूछा जा चुका है इसलिए आपको याद रखना है कि बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यह मुंडारी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है जंगल का आदमी। इस जनजाति के जो लोग हैं वह स्वयं को, खुद को खरवार समूह का मानते हैं, और तथा खुद को जो है सूर्य से जो है उत्पत्ति, मतलब खुद की उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं, और इसीलिए वह अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। तो यह भी आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिरहोर जो जनजाति है यह प्रजातीय रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट प्रजाति से संबंधित है, रिलेटेड है, और तथा जो इनकी भाषा है, लैंग्वेज जो इनकी जो बोली है, भाखा अगर खोटा में कहें तो बिरहोरी है, और जो बिरहोरी है यह मुंडा भाषा का ही एक अंग है जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। तो आपको इनकी जो है लैंग्वेज याद रखनी है बिरहोरी, और यह जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से रिलेटेड है, और जो यह प्रजातीय तौर पे जो बिरहोर है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट है। ये तीनों चीज़ें रटने की है इसलिए आपको एकदम रट जाना है, इसलिए मैंने रिपीट किया। अब नेक्स्ट जो है इनके समाज और संस्कृति से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आपको फंसाती है।
तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि इनका जो परिवार होता है वह पितृसत्तात्मक होता है या पितृवंशी होता है। इनकी जो बस्ती होती है उन्हें हस्ती नहीं, बस्ती का हस्ती नहीं ब्रो, इसे टंडा कहा जाता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि बिरहोरों की बस्ती को क्या कहा जाता है, तो टंडा कहा जाता है। अब जो इनकी बस्तियों में जो झोपड़ी होती है, सामूहिक तौर पर जो रह रहे होते हैं, उस झोपड़ी को कुंभा कहा जाता है या कुरहा कहा जाता है या कुरहर कहा जाता है, मुख्य तौर पर आप कुंभा याद रखें। अच्छा, अब इसमें भी जो है दो तरह के कुंभा होते हैं। जो बड़ी झोपड़ियाँ होती हैं उन्हें ओड़ा कुंभा कहा जाता है, जो छोटी झोपड़ी होती है उसे चू कुंभा कहा जाता है। इसको भी आपको एकदम रट लेना है। अच्छा, इनमें युवा गिरी भी होती है जिन्हें तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आप गीती ओड़ा याद रखेंगे। ऐसे गीती जोरी और ग्योरा भी कहीं कहीं लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन जो इनमें जो गीती ओड़ा होता है यानी कि जो युवा गिरी होता है, इसमें भी लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग होती है। अब लड़कों के लिए जो गीती ओड़ा है यानी कि युवा गिरी है उसे डोंडा कांठा, और लड़की के लिए जो है उसे डिंगी कुंडी कहा जाता है। अगर आप खोटा में से याद रखने की कोशिश करें तो डोंडा रे डिंडी गे, ऐसा करके याद रख सकते हैं। इनके जो गोत्र होते हैं 13 प्रकार के गोत्र हैं, इतना आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट मैं आपको बिरहोर जनजाति से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ, जिससे एग्जामिनेशन में एकदम प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा कि बिरहोर जनजाति में जो है विवाह के 10 प्रकार है, और इनके जो सबसे प्रचलित विवाह है वह सदर बापला है। इसे क्रय विवाह और आयोजित विवाह कहा जाता है। तो आइए क्रम से मैं आपको बिरहोर जनजाति के 10 विवाह के नाम आपको बता देता हूँ और रटवाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहला तो गया सदर बापला, जो कि इनका जो है सबसे मोस्ट फेमस मैरिज जो प्रकार है यह है सदर बापला, जिसे क्रय विवाह या आयोजित विवाह के तौर पर आप याद रख सकते हैं। दूसरा है किरिंग जवाई बापला, जिसे सेवा विवाह है। उदरा उदरी बापला या सब प्लान विवाह है। बोलो बापला या हट विवाह है। और इम्पॉर्टेंट तौर पर आप PBI कर लीजिए, सांगा बापला या विधवा विवाह, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि इनमें से किन जनजातियों में विधवा विवाह की प्रचलन नहीं है, तो उसमें से आपको फंसा देगा। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि विधवा विवाह बिरहोर जनजाति में होती है, इसे जो है सांगा बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गोलट या गुवा बापला, विनिमय विवाह है। उसके बाद हिरूम बापला, सुपुंदर बापला, नाम नप मामला और बेंकढ़ी बापला, ये इनके विवाह के प्रकार हैं बिरहोर जनजाति के। त्यौहारों की अगर हम बात करें तो वही त्यौहार है कर्मा, सोहराई, नावाजोम, जितिया और दलई, ये खास तौर पे आपको याद रखना है। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है त्यौहार, लेकिन फिर भी आप एक बार याद कर लीजिए। नृत्य में ये इम्पॉर्टेंट है, तीन ही नृत्य आपको याद करने हैं, डोंग, लागरी और मुतकर। वाग यंत्र आप याद कर लीजिए, तुमदा, तिरियों, तमक, तमक, तिरियों, तुमदा। अच्छा, तुमदा जो है मांदर या ढोल है, तिरियों बांसुरी और तमक नगाड़ा के तौर पर आप समझ सकते हैं, इससे संबंधित या इस जैसा ही वाद्य यंत्र, ठीक है। आपको याद रखना है नगाड़ा को तमक बोलते हैं, बांसुरी को तिरियों और मांदर या ढोल को तुमदा, ठीक है। रट लिया आपने। अब आइए इनके जो धार्मिक परंपरा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों धार्मिक परंपरा के तौर पे आपको दो चीज़ याद रखना है, सिंह बोंगा और नाई। अब देखिए इनके जो मुख्य देवता हैं वह सिंह बोंगा और देवी माई है। अन्य देवता भी हैं जैसे कि ओरा बोंगा, काड़ो बोंगा, हो बोंगा, टोंडा बोंगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, धार्मिक प्रधान, जिसे नाई कहा जाता है। ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सिर्फ धार्मिक नहीं, धार्मिक के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों का भी जो है संचालन कर लेता है। अब दोस्तों वीडियो के बीच में मैं आपको इंटरप्ट करते हुए बता दूं कि अगर आप झारखंड के 3200 जनजातियों को एक ही जगह एक लाइन से वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं या सारे PDF एक जगह प्राप्त करना चाहते हैं तो आप S4G Study for Goals का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको इस पार्टिकुलर कोर्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं इस यूजर नेम के साथ, जो कि SB यानी कि सुभाष वर्मा का शॉर्ट फॉर्म SB_ सुभाष वर्मा, काफ़ी इजी यूजर नेम है। और सारे सोशल मीडिया पे मेरा सेम ही यूजर नेम है, आप मेरे साथ कनेक्ट करके चीज़ें पूछ सकती हैं जनजातियों से संबंधित, या खोटा या जो प्रैक्टिस सेट मैंने झारखंड के करा उससे संबंधित आप चीज़ें पूछ सकते हैं, मतलब मैंने जो भी सैकड़ों वीडियो लिए हैं उससे संबंधित आप चीज़ें पूछ सकती हैं। अब आइए आर्थिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। मैंने सैकड़ों वीडियो S4G के माध्यम से झारखंड के छात्रों तक पहुँचाई है। आई होप कि आपका मदद होता होगा मेरे खोटा की वीडियो, झारखंड जीके की वीडियो देख के। मैथ तो और रीजनिंग छोड़ के मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट आपको S4G पे पढ़ा दिया और पढ़ाता रहूँगा निरंतर और बेहतरीन तरीके से पढ़ाता रहूँगा। लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं आर्थिक व्यवस्था ऑफ बिरहोर ट्राइब या बिरहोर आदिवासी। सर्वाधिक आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई जनजाति है यह, मैंने शुरू में बता दिया। और इनका प्रमुख पेशा यह शिकारी संग्रह करता है या खाना संग्रहण करने का काम करते हैं, लकड़ी काटते हैं, शिकार आदि इनका जो है प्रमुख पेशा है। अच्छा, इनकी जो भूमि है यह आपको याद रख लेना है, इसे तीन प्रकार से बांटा गया है, मतलब अलग अलग भूमि को तीन तरह से इन्होंने बांट दिया है।
इनकी जो ऊंची भूमि है उन्हें गोड़ा कहा जाता है, गोड़ा या गोड़ खोठा में पैर को कहा जाता है। अच्छा, बेरा जो है निचली भूमि को बेरा कहा जाता है, और बीच की जो भूमि है उसे बाद या बादी कहा जाता है। ठीक है, तो बाद के तो मुख्य रूप से बाद याद रखें, बाद बीच की भूमि, बेरा निचली भूमि और गोड़ा उच्च भूमि। ठीक है, अच्छा नोट करने लायक यह बात है आपको कि बिरहोर आदिम जनजाति जो है इसमें जो भूमि है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसे सामुदायिक संपत्ति माना जाता है। याद करें कि इनमें जो भूमि है बिरहोर जनजाति में, इन्हें सामुदायिक संपत्ति मानी जाती है और इसे बेचना निषिद्ध होता है, इसे बेच नहीं सकते। अच्छा नेक्स्ट है कि यह जो बिरहोर लोग हैं यह पीतल तांबा और कांसे के काल में काफ़ी दक्ष होते हैं, तो इसे अब याद रखें। और इनके जो जीवनापन के बेसिस पे इन्हें दो तरह से बांट दिया गया है, दो फॉर्म में, और वह है उल्धू और जांघी। अच्छा उल्धू को भुलियास भी कहा जाता है और जांघी को थानिया भी कहा जाता है। अच्छा उल्धू किसको कहा जाता है, तो घुमक्कड़ या घुमंतु प्रवृत्ति के जो लोग हैं या फिर जो घुमक्कड़ जीवन जीने वाले लोग हैं, ठीक है, लूट लाओ कूट खाओ वाले जो लोग हैं उन्हें उल्धू या भुलियास कहा जाता है। और जो जांघी हैं या थनिया हैं या वैसे आदिवासी लोगों को कहा जाता है, अधिवासी लोगों को कहा जाता है जो कि अस्थाई जीवन जीने वाले लोग हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एक खाली बॉक्स है, यह खाली बॉक्स आपके लिए है। दरअसल यह जो मेरे द्वारा लिखी गई हैंड रिटन नोट से, इससे पहले मैंने खोटा लिखा था, झारखंड जी के लिखा था, यह मार्केट में आगे चल के आपको देखने को मिलेगी। तो जो एडिशनल चीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हो, जैसे इस पार्टिकुलर टॉपिक को मैंने पढ़ाया तो आप कुछ कमेंट करोगे सर ये चीज़ें छूट गई, ऐसा आई होप कि कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी आप खुद बिरहोर जनजाति से बिलोंग करते हो, स्टडी फॉर गोल्स के माध्यम से सस्ते दर पर पढ़ रहे हो, कल को आप अधिकारी बनोगे तो कुछ जानकारियाँ आपके समझ भी होगा, तो जो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में वह यहाँ पर ऐड कर दी जाएगी और आगे चल के आपको जो है नोट्स के माध्यम से जो प्रिंटेड मार्केट में मिलेगी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आइए अभी वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए बिरहोर जनजाति से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं जो कि आपके प्रैक्टिस में मदद करेगा। अदरवाइज आप प्रैक्टिस करने के लिए S4G स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे जो कोर्सेस है, खास करके जो मुझे कोर्सेस पसंद है, इसके लिए एक पार्टिकुलर कोर्स जनजाति के लिए भी है, लेकिन जो मुझे जो कोर्सेज पसंद है हज़ारों के संख्या में, मतलब बहुत हज़ारों हज़ार क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, 50, 100, 200 रुपया के माध्यम से, कोर्सेज के माध्यम से आप उन कोर्सेज को मतलब परचेज करें, प्रैक्टिस करें, अनंत क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शहरी लोग, गांव के लोग, जंगल के लोग या मंगल ग्रह के लोग। तो यहां पे इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जंगल के लोग, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ। दूसरा प्रश्न है कि बिरहोर जो जनजाति है इनमें सर्वाधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है, मतलब बिरहोर जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में पाए जाते हैं अगर झारखंड के जिलों में हम इन्हें वर्गीकृत करें तो। तो यहाँ पे ऑप्शन है चतरा, हजारीबाग, पलामू, रांची। इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग जिले में सबसे ज़्यादा बिरहोर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरहोरों के युवागिरी को क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि युवागिरी होता क्या है, क्योंकि मैंने उरांव जनजाति वाले वीडियो में पढ़ाया था जिसे 70,000 लोगों ने अभी तक देख चुका है। अब दोस्तों ऑप्शन है गीती ओड़ा, धूमकुड़िया, गोटुल और मिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा गीती ओड़ा। इसके दो अन्य नाम भी मैंने अभी अभी बताया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मुख्य तौर पे आप गीती ओड़ा ही अगर याद करने में सक्षम हो गए तो इतना ही काफ़ी है कि बिरहोर की जो युवागिरी है वह गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है सदर बापला, किरिंग जताई, जताई बापला, सांगा बापला या बोलो बापला। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा सांगा बापला, और सदर बाबला सबसे फेमस जो युवा इनका है वह है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। तो टोटल जो आठ आदिम जनजातियां हैं झारखंड में, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल आठ आदिम जनजातियां हैं। इनमें से आपको सब एक एक करके पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन है संथाल, उरांव, मुंडा और बिरहोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरहोर। और जो यह तीन ऑप्शन है संथाल, उरांव और मुंडा, यह अनुसूचित जनजातियों के तौर पर वर्गीकृत है, 24 के ग्रुप में है, और इनके बारे में ऑलरेडी चैनल पर पढ़ा दिया गया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि वह वीडियोज़ भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। अब बिरहोर जो जनजाति है यह किस प्रजाति से है या किस प्रजातीय समूह से है। तो द्रविड़, मंगोलाइड, ऑस्ट्रोलाइड या प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है इतना आपको, ये चीज़ें तो रटने की चीज़ है कि बिरहोर जो जनजाति है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समूह से है। ठीक है, ज़्यादा समूह नहीं है, दो तीन समूह से ही रिलेटेड है, आपको ये रटना आसान हो जाएगा।
अब क्या है, बिरहोर किस भाषा समूह की भाषा है? अब जो बिरहोर जो भाषा है, अब बिरहोर जो जनजाति, इनकी भाषा है बिरहोरी, मतलब बिरहोरी भाषा ही है। तो अब यह भारोपीय, द्रविड, ऑस्ट्रो एशियाटिक या इनमें से कोई नहीं, किस भाषा परिवार से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से जो है बिरहोर संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वह है कि बिरहोर की जो बस्ती है क्या कहा जाता है उसे? झापा, गांव, टंडा या हस्तीब्रो? एक फेमस गाना है बस्ती का, हस्तीब्रो। तो आपको हस्तीब्रो कमेंट सेक्शन में, सॉरी मतलब आंसर शीट में आंसर नहीं करना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर आपके समझ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंडा। बिरहोर की जो बस्ती होती है उसे टंडा कहा जाता है, इसको आपको याद रख के चलना है। पता नहीं क्या बगल में जलाया जा रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अच्छा से। नौवां प्रश्न है, यही होता है दोस्त, अब अपन लोग जो है फॉर योर स्टडी पर्पस पहाड़ पे बनाएंगे फार्म हाउस। अच्छा, बिरहोर जो जनजाति है यह कौन सी भाषा बोलती है? मालतो भाषा बोलती है, सदानी भाषा बोलती है, कुड़ुक भाषा बोलती है, बिरहोरी भाषा बोलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिरहोरी भाषा बोलती है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि इनकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है, इनकी जो बोली है या बिरहोरी है, बोली मतलब भाषा जो लैंग्वेज है बिरहोरी है, और ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। ठीक है, अच्छा जो मालतो और कुड़ुक है यह द्रविड़ियन भाषा समूह है। ठीक है, तो इतना, और जो सदानी है यह आर्यन भाषा समूह है। ये चीज़ें आपको मैंने पढ़ाई हैं अलग अलग जनजातीय वीडियो में, यह चीज़ें अगर आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दसवां प्रश्न है कि बिरहोर जो जनजाति है इसमें जो सर्वाधिक प्रचलित मोस्ट फेमस टाइप ऑफ जो मैरिज सिस्टम है वह कौन है? तो सदर बापला, सिपुंदर बापला, बेंकड़ी बापला या उदरा उडरी बापला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदर बापला। सदर बापला के बारे में आप सभी अवगत हैं, सदर बापला क्या है? सर्वाधिक प्रचलित इनका जो विवाह का सिस्टम है वह है जिसे क्रय विवाह या आयोजित विवाह के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कि किया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेशन क्या ही है, आजकल विवाह काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब इसको डिफाइन करना काफ़ी पेचीदा है। छोड़िए, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आगे चल के अगर यह भी जेपीएससी जैसे सिलेबस में ऐड किया गया तो मैं उसे भी पढ़ाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिरहोरों की जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाकलापों का जो संचालन करता है उसे क्या कहा जाता है? महतो, मांझी, कुतवार या नाये? इसका उत्तर हो जाएगा नाये। अच्छा, महतो और मांझी आपको जो है विभिन्न जो शासन व्यवस्था है झारखंड के उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, और ये मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं जल्द एक सीरीज ला के जो शासन व्यवस्था है उसको पढ़ा दूंगा, जो खास करके छः प्रमुख हैं उनको मैं कोशिश करूंगा कि एक बार पढ़ा दूं, क्योंकि जेपीएससी स्टूडेंट को काफ़ी उसमें थोड़ा परेशानी हो जाता है, बार बार कन्फ्यूज जाते हैं वह कुछ कुछ पार्टिकुलर नामों को लेकर, क्योंकि सेमी जो नाम है वह अलग अलग जनजाति में अलग अलग पोस्ट के तौर पर समझा जाता है। ठीक है, अच्छा बिरहोरों के जो मुख्य प्रमुख देवता है वह कौन है? सिंहभोंगा, याद रखना आपको एक लाइन में सीधा सी बात, सिंहभोंगा एकदम रट लेना है, और जो एक देवी माई थी उसे भी याद कर लेना है। अब आज का जो अंतिम प्रश्न है वह आपके समक्ष है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी है, जिसके लिए आपके समक्ष चार ऑप्शन भी मैंने बनाए हुए हैं। प्रश्न है कि आदिवासी जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल से रहने वाले लोग। ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल से रहने वाले लोग। ऑप्शन नंबर सी, वैसे लोग जो आज़ादी के बाद रहने लग गए, या फिर अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के समय में बसाए गए लोग, किन्हें आदिवासी कहा जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही इसका सरल जवाब भी है। कमेंट सेशन में आई होप कि कमेंट कर पाओगे, जरूर लिखिए आप। अगर आप पूरा नहीं लिख सकते हैं तो ए बी सी डी करके इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और जो भी एडिशनल आदिवासी के बारे में जानते हैं या बिरहोर के बारे में जानते हैं आप कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करिएगा। इस फोर जी टीम के मेम्बर्स आपके कमेंट पढ़ते हैं, इनफैक्ट अगर आपकी अगर कमेंट बढ़िया रही तो आगे नेक्स्ट की वीडियो में आप फ्लैश करवाई जाती है। ठीक है, क्योंकि उससे हम लोग भी सीखते हैं। अच्छा, वीडियो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अंततः वीडियो के अंत में आपको मैं यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ें मैंने पहले भी बता दी हैं आप रिपीट कराता हूँ, कि झारखंड के जनजातियों से संबंधित एक हमारे पास जो है एस फॉर योर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप में जो है कोर्स भी है, 50 रुपये की कोर्स है, उसमें आपको 3200 जनजातियों के PDF और वीडियोज मिल जाएंगी, जिसमें 10-15 वीडियो अपडेट हो चुके हैं। यह तो थी एक फैक्ट, बाकी JSSC और JPSC के अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे बहुत सारे खोटा, Paper 3, Paper 2 इत्यादि, नागपुरी वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह के कोर्सेज, करंट अफेयर के कोर्सेज अवेलेबल है बहुत अच्छी टीम के द्वारा। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए या यूट्यूब में वीडियो जो अवेलेबल है उनको देख के मुआयना करके खुद समझिए और परचेज करिए। ठीक है, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ पाठ, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रह चुके हैं तो सबसे पहले तो इस बात के लिए आपको थैंक यू कि आप वीडियो में यहाँ तक बने रहें और मेरे साथ पढ़ने की आपने पेशेंस रखा।
अब आपको अगर आपने यहाँ तक देख ही लिया वीडियो तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कम से कम 5 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी लेख की, मेरा कंटेंट कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट जो आप किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। फिलहाल तो इस सीरीज में आपको जो है 8 वीडियो मिलने वाले हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि परहिया और सबर जनजाति पे बारे में मैंने पहले ही पढ़ाया हो, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूंगा क्योंकि पिछला बार मैंने MCQ नहीं करवाया था। और सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा क्योंकि एक अलग ग्रुप से हैं, बाकी ये सारे एक ग्रुप के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाइन से करके 8 पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो झारखंड की जनजातियों से संबंधित जो बच गए हैं लगभग 8 जनजातियाँ मैंने पढ़ा दिया हूँ, 24 हैं टोटल, है तो 32 टोटल, लेकिन जो 8 उसमें आदिम जनजातियाँ, तो एक एक करके आपको 3200 पढ़ा दिया जाएगा। तो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप अगर नहीं डाउनलोड किया तो ऐप डाउनलोड करें, और मिलते हैं फिर नए वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपको असुर जनजाति के बारे में या तो पढ़ाऊंगा या परहिया सबर के बारे में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, बाय बाय।